Good morning, dear student. Welcome to online class. This is the class of science of standard 7. So, बच्चों हम देख रहे थे इसमें हमारा जो chapter 4 था जो natural fibers थे, sorry chapter 3 जो था natural fiber जो हमारा है उसके हम exercise को done कर रहे थे, जिसमें हमने true false, mass of following ये सारी चीज़ें कर ली थी. आज हमारा जो turn है वो है question and answer का. Okay, so here समथिंग अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं आपके पास पूरे, तो इसको बहुत ही क्लियरली मैं समझाऊंगी और आपको उसको बहुत ध्यान से सुन करके आपको काम करना है, ठीक है ना. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन वुल, नेम फोर वुल यील्डिंग एनिमल्स, यानी कि वुल क्या होता है और फोर जिससे हमें वुल मिलता है उन एनिमल्स के हमें नाम लिखने हैं. सेकेंड क्वेश्चन है मैंशन द प्रॉपर्टी दैट मेक्स वुल अ गुड फाइबर टू यूज़, मतलब उन प्रॉपर्टीज़ को बताना है जो एक वुल को जो है वो गुड फाइबर बनाते हैं हमारे यूज़ के लिए. नेक्स्ट है व्हाट डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ वुल, यानी कि फाइननेस ऑफ वुल को आप कैसे डिटरमाइन करें, कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएंगे. नेम टू ब्रीड ऑफ शीप विच हैव द फाइन फ्लीश, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 है, ठीक है, ये पूरा है आपका. देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें चार ब्रीड मांगा है, तो देखिए आपको इसको यहाँ से बस क्या करना है, ये वाली चीज़ को स्प्लिट करके यहाँ से लिखना है ना. ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ऐसे है तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 अलग लाइन से, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4. समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये बना भी हुआ है पूरा लाइन से, यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया हुआ, ये देखिए लिखा हुआ आंसर नंबर 2. तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका, आंसर नंबर 2 है, ठीक है. देयर आर अ नंबर से लेके फिर है आंसर नंबर 3, ठीक है, कि क्या होता है फाइननेस को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे. और जो है दो है तो एक मरीनो हो गया और एक क्या हो जाएगा, कैंपोर, ठीक है. सो हेयर इज़ आंसर नंबर 3. अब यहाँ पे आपके ये तीन के बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने 3 अलग बना दिया. अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 से लेकर 15 तक. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें जो है आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्करिंग, तो इसमें भी स्करिंग है ऑटोमेटिक, तो ये क्वेश्चन आप कट कर देंगे, स्किप कर देंगे, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है. और इसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, why are the हार्वेस्टेड सिल्क कोकून बॉइल्ड, गिव टू रीज़न, यानी कि जो हार्वेस्टेड सिल्क कोकून होता है आप उसे बॉइल क्यों करते हैं, उसके दो रीज़न लिखिए. तो पहला मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमें वो सिल्क ऑब्टेन करना होता है और जब तक वो जो इसके अंदर का इंसेक्ट है कोकून के अंदर का, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक हम क्या करेंगे, उस सिल्क को ऑप्टेन नहीं कर सकते. तो फॉर द रिमूवल ऑफ इंसेक्ट एंड ऑप्टेनिंग ऑफ द सिल्क, फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया. सेकेंड रीज़न, ये आपका होमवर्क है, सेकेंड रीज़न आप मुझे बताएंगे कि क्यों हमें कोकून को बॉईल करना चाहिए, है ना. जहाँ मैंने पढ़ाया है उन्हीं में सारे रीजंस दिए हुए हैं, तो इसका आंसर एक तो मैंने बता दिया कि फॉर किलिंग द इंसेक्ट एंड ऑप्टेनिंग फॉर द सिल्क, है ना, कि उनके अंदर के इंसेक्ट को मारने के लिए और उससे सिल्क को ऑप्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जो हार्वेस्टर सिल्क कोकून होता है उसको बॉयल करते हैं. सेकेंड आंसर आपको खुद बताना है. तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शेयरिंग ऑफ फ्लीश, 5, 6. तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है, यहाँ से ये आंसर नंबर 5 है, ठीक है, और ये आंसर नंबर 6 है, और ये 7 है, ठीक है ना. 7 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आंसर 7 है. नेम एंड डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ सिल्क थ्रेड यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द सिल्क क्लॉथ, ठीक है. तो ये होता है एक मलबेरी सिल्क होता है और एक क्या होता है, तसार सिल्क होता है, ठीक है. तो ये 7 का हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कि जो है क्यों उसे जो बॉयल कोकून होते हैं, कुछ कोकून्स को बॉयल क्यों नहीं किया जाता, ताकि जो कुछ कोकून बचे रहेंगे उससे प्यूपा जब निकलेगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के मौत को ग्रो करेगा, इसलिए हम सारे कोकून्स को बॉयल नहीं करते हैं, ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, आंसर नंबर 8 हुआ. और मैंने 9 आपको बताया कि 9 आपको खुद करना. अब देखिए 10 वाला ज़रा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो डिफाइन करने हैं टर्म्स वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ठीक है, इसमें दिया हुआ है. अब जो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रही हूँ यहाँ पर,
दैट इज़ ये है क्वेश्चन नंबर, ये आंसर नंबर 10, ठीक है। तो आप इसमें जो है वो जो उसका सीक्वेंस है वो उल्टा सीधा है, बस आपको क्या करना है कि अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, यानी पहले उसमें सेरीकल्चर दिया हुआ है तो इसमें से आप सेरीकल्चर वाला पहले ऑप्शन ढूंढेंगी, है ना, सेरीकल्चर हेडिंग डाल के फिर उसको लिखेंगी, फिर उसमें जो है स्करिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें देखिए टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें कोकून दिया है, फ्लीस दिया है, रीलिंग दिया हुआ है, तो इसको आप उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे देखिए कि उसमें हम लोगों के उसमें शेयरिंग नहीं है, सिल्क मॉथ नहीं है, सिल्क वर्म नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें नहीं है उसको अवॉइड करेंगे, और जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको उसी के आगे आपको क्या करना है, अरेंज करना, ठीक है। फिर यहाँ पर यूजेज ऑफ वूल है आंसर नंबर 11, ठीक है। फिर यहाँ पर है आंसर नंबर 12 कि क्यों ग्रेटर बल्क होता है अदर फैब्रिक से वूल का, ठीक है। एंड लास्ट आंसर है आपका व्हाट इज़ सिल्क, क्या होता है रॉ सिल्क, किसे कहते हैं, तो ये आपका आंसर नंबर 15 है, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली कट डन है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए आंसर 11 है तो आपको पता चल गया कि 11 है, उसके बाद ये 11 हो गया, फिर यहाँ पे दिया हुआ है नेम द डोमेस्टिक मॉथ हुज लार्वा प्रोड्यूस सिल्क वर्म, तो ये क्या है, बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स, ठीक है, मोरी, इसका आंसर होगा किसका, 12 का, बॉम्बेक्स मोरी। 13 मैंने आपको क्या करा दिया, कट्ठी करा दिया, क्योंकि उसी में आ जाएगा 14, 15, उसके बाद लास्ट वाला आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको जब बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा किसका आंसर, अगर आप कहीं पर मिस भी होते हैं, मिसलीड हो जाते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है जिन क्वेश्चंस पे लिखा हुआ है उस पे तो कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन जिन पे नहीं आंसर टला हुआ है उसको आप पढ़कर भी समझ सकते हो, और वैसे भी मैंने उसको सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी है। तो आई होप सो कि आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, और इससे रिलेटेड डायग्राम है ना, इससे रिलेटेड डायग्राम आप जैसे सेरीकल्चर का है तो आप उससे रिलेटेड डायग्राम जो ईजी अगर आपकी बुक में मिल जाए उससे रिलेटेड, तो आप उसको पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, बिकॉज़ ये सारा चैप्टर क्या हो गया आपका टोटली फिनिश हो चुका है, ओके।